और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रायपुर मारवाड़ क्षेत्र की आबादी का बड़ा भाग प्रवास में रहता है। मुंबई, पुणे, सूरत, हैदराबाद, बैंगलोर के साथ साउथ में मारवाड़ियों का बड़ा हुजूम है। उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा ने ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को गांव के बाहर रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिया। निवर्तमान सरपंच चैनाराम माली जुटे अपने अपने गांव की लिस्ट तैयार करने में। ग्राम विकास अधिकारी विजय प्रकाश शर्मा के निर्देश में आज पंचायत स्तर पर जो भी प्रवासी बाहर है उनको अपने घर पर लाने के लिए सूची तैयार की गई। निवर्तमान सरपंच चैनाराम माली और पंचायत की टीम द्वारा बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अब तक रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र में एक भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। अब भारी संख्या में प्रवासी आने की आशंका के चलते बिगड़ सकते हैं हालात। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन से प्राप्त आदेशों की पालना में प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में लाने और जो राजस्थान में प्रवासी फंसे हुए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए प्राप्त हुए हैं उनके निर्देशन में आज ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा कम से कम 500 व्यक्तियों का पंजीयन कर दिया गया और उनकी सूची अब SDM मुख्यालय पर भिजवाई जा रही है ताकि वे सभी गंतव्य स्थान तक आ और जा सकें। धन्यवाद। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान के जो भी मजदूर बाहर देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं उनको राजस्थान में लाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर की गई है, जिसके तहत आज रायपुर ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच चैनाराम माली के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारी के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए पुनर्वास या उनके पुनः घर लाने के लिए जो योजना चलाई है, सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, जो व्यवस्था की है, उसके लिए जनता उनका आभार व्यक्त करती है और प्रवासियों में बहुत खुशी की लहर है और प्रवासी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो वापस अपने पुनर्आवास में आ सकेंगे और उनको कुछ राहत मिलेगी, इनके लिए पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी और सरपंचों के तहत उनका पंजीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द पंजीकरण होते ही उनको ये लाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया गया, जिसके तहत हमारे काफी प्रवासी भाई जो अन्य किसी राज्यों में और जिलों में तो निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। उनकी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, अपने सभी प्रवासी भाई को अपने गांव, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के तहत 2 दिन के अंदर जो भी प्रवासी भाई है वो अपनी जो अपना नाम और सूची अपने संबंधित पंचायत, अपने संबंधित जो भी अधिकारी है उनके पास दर्ज कराएं, ताकि वो सारी लिस्ट सरकार को भेज दी जाए और सरकार अपना उचित कदम उठा सके। मैं आप सभी प्रवासी भाइयों से निवेदन करता हूं, सरकार ने आपके लिए बहुत बड़ा ये सराहनीय कदम उठाया है आपकी समस्या को देखते हुए, लेकिन आपको भी इसमें मदद करनी है। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना है और जब भी आप अपने वापिस घर तक पहुंचे अपने घर में ही रहें, 14 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकले और अगर किसी व्यक्ति में कोरोना बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा और उसमें आप सरकार और प्रशासन का सहयोग दें, क्योंकि ऐसा ना हो ये महामारी कहीं से कहीं आकर आपके गांव को भी उसमें लपेट लें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सरकार के सभी जारी आदेश और निर्देशों का पालन करें और जल्द से जल्द अपने जो भी है दस्तावेज अपने संबंधित अधिकारी के पास कलेक्ट करें। धन्यवाद।